भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने कमर के निचले हिस्से की सर्जरी के बाद टीम इंडिया में वापसी की कोशिशें शुरू कर दी है। नया साल शुरू हो चुका है और टीम इंडिया ने अपने पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ जोरदार जीत दर्ज की है। हालांकि साल 2019 की शुरुआत का वक्त हार्दिक पांड्या के लिए काफी विवादों से भरा रहा। तब फिल्म निर्देशक करण जौहर के टीवी शो कॉफी विद करण में महिलाओं पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर हार्दिक पांड्या विवादों में घिर गए। इस शो में हार्दिक के साथ टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल भी थे। विवादों में घिरे हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने भी कार्रवाई की। कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में उनकी आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। अब इस मामले में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने अब इस मामले में कहा है कि हम एक क्रिकेटर के तौर पर नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। आपको बता दें, गेंद मेरे पाले में नहीं थी बल्कि किसी और के पाले में थी, जहां किसी और को फैसला लेना था। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें आप खुद को नहीं देखना चाहते। पांड्या ने कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया और ये भी बताया कि वो इस मामले में अपने परिजनों के साथ भी खुलकर बात करते थे। केएल राहुल अपने संबंधों के बारे में जवाब देने में हालांकि ज्यादा संयमित दिखे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।